जी दस से पंद्रह साल से रामदेव बाबा जी एक प्रोडक्ट का पतंजलि का प्रचार करेंगे और उसके बाद काला धन बैठे के इकोनॉमिक मिनिस्टर बैठे हुए काला धन गरीब से अमीर पढ़े लिखे से अंतर तक सबको ये बता दिया गया मन में डाल दिया गया योगा कराते कराते नेता लालू प्रसाद जी कई बार कह चुके हैं जातीय जनगणना जारी की और जात के आधार पर तुम जो है सबको लाभ उपलब्ध करा ये हाँ तेरा पॉइंट जो है विश्वविद्यालय में रोस्टर जो था उसको कर दिया जिससे किसी दलित को लोगों को नौकरी नहीं मिलती। राष्ट्रीय जनता दल और विभिन्न संगठनों ने देश भर में 5 तारीख विभाग बंद किया सरकार झुक गई और उन्होंने अध्यादेश लागू किया है। हमारा मानना है कि जो 90% जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है 90 भाग मेरा है 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा उसी को हम 90% दलितों पिछड़ों आदिवासियों के मांग के अल्पसंख्यकों के मांग के लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ कोई बड़ा नेता आने वाला है प्रदेश अध्यक्ष या कोई हमारे यहाँ तो जिला स्तर पर ना जिला स्तरीय यहाँ बड़ा नेता मदन शर्मा है सुरेंद्र जी है नंदू जी है परमेश्वर जी है यहाँ तो सब बड़े नेता है। पटना जिला में बड़े नेता है गुलाम रवानी है जवेद है हमारे कई लोग जो है जिला के नेता लोग प्रांतीय नेता यहाँ उपस्थित हैं एक से भारतीय लोग हैं इसलिए हम बना नेता क्या है हम तो जिला का अध्यक्ष हैं 20-22 वर्ष से हम संगठन चलाते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं इसलिए गरीबों के सवाल को लेकर ईश्वरों के सवाल को लेकर पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल तैयार धारणा मौजूद है और हम सरकार से मांग करते हैं केंद्र सरकार से जातीय जनगणना लागू कीजिए और जातीय हिसाब से 90% अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।